नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं और सिवेसिंहपुर चौक पर हूं। खासकर आपको बता दें कि अशोक चाय की दुकान पर रोजाना कम से कम 250 से ज़्यादा लोग यहां पर चाय पीने के लिए और नाश्ता करने के लिए इस दुकान पर आते हैं। खासकर सिवेसिंहपुर की ही बात नहीं करें, विभिन्न गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं और विभिन्न तरह की बातें, खासकर राजनीति को लेकर हो या सामाजिक हो, यहाँ पर किया जाता है। अशोक चाय का दुकान लगभग 15 साल से ज़्यादा से यहाँ पर उपस्थित है। खासकर चाय के दुकानदार से बात करेंगे कि किस तरह से अभी इस वक्त उनका हालात है और खासकर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे और विधायक अपने क्षेत्र का किसको चुनने वाले हैं। यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। देख सकते हैं चाय का जो यहाँ पर है वो मेरे पास आ चुका है। अब अशोक से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। सभी भारतवासी को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम अशोक दास हुआ, सिवेसिंहपुर हमारा घर हुए। हम बहुत गरीब से गुजरे हुए हैं, हमारा माता पिता सभी मरे हुए हैं। मैं एक ही चीज़, कोनो सरकार से हमको कोनो शिकायत नहीं है, हमको एक ही बात की इस सरकार से, नरेंद्र मोदी जी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ठीक है आप जो कर रहे हैं सो हमको कोनो माने मतलब नहीं, मगर विकास की मुद्दे में आप आइए तो आपकी सरकार बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम ये महंगाई करीब राजस्थान भी आज से 40-45 साल पहले थे, वहाँ भी देखे ये महंगाई को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए, सरकार को बनते बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। उसके बाद आज हम 30 साल के बाद अपने राजस्थान छोड़ के हम ये बिहार में आए, यहाँ भी देखे बहुत महंगाई। आज हम चाय 5 पैसे में बेचते थे, आज हमारा चाय का दाम 5 रुपये हुए, जमीन आसमान का फर्क हुआ देख लीजिए। आज 6 रुपये एक कुपी में देते हैं, 6 रुपये लेते हैं हम लोग अपनी सर्विस करके। और आज देख लीजिए इतनी इतनी आलू प्याज का रेट बढ़ना, इस सरकार के लिए मतलब कोई चिंता नहीं है। जो हमारे जनता क्या खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, सरकार तो एगो 5 किलो दाना जो होता है वो विकास अपना किए, और उसके बाद जो कहें जो सबका खाता में 1000-1000 रुपये भेज देंगे, वो भी नहीं आया, उसका एक भी किसी का खाता में नहीं आया पैसे। और हमको शिकायत सरकार से ये है, पानी का विकास में सरकार जो पानी का बनाया वो 6 महीना से 2 महीना से बेसी कहीं नहीं चला, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। हमने यहाँ पर वीडियो को कहा गया जो मेरे 2 नंबर वार्ड में पानी नहीं है, उसके बाद यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, किसी से भी कोनो माने मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री इस बार किसको बनाने वाले? अच्छा, और विधायक किसको बनाने वाले? हम एक ही बात को जानते हैं, जो अपने मतलब नीतीश कुमार जी आगे हमारे बिहार का राज कर रहे हैं आज कई साल से, वो हमारा एक बिहार के अंदर में अशोक पेपर मिल है टूटा हुआ, कोई नेता को या तो ना मोदी जी को ध्यान आया, जो अशोक पेपर मिले को दरभंगा जिला में है बिहार में टूटा हुआ, कहीं उस पर देखे अगर वो हमारा कर रहा है तो हमारा लाखों गरीब संख्या यहाँ पर करेंगे। आज हमारा चल जाइए रयाम मिल है बंद, अगर वहाँ रयाम मिल चालू हो रहा है हमारा लाखों की संख्या गरीब गुरबा वहाँ काम कर सकते हैं। सड़क का क्या हाल है आपके क्षेत्र का? हमारा सड़क का बिल्कुल क्षेत्र का बेकार है, रोड ठीक से रोड नहीं बना रहा है ना ठेकेदार सब कोई भी, कितना कितना जगह अभी भी खरंजा पड़ा हुआ है, जाने की अवस्था नहीं है, रोड की पूछिए नहीं, नाला हमारे सिवेसिंहपुर के गांव में नाला नहीं है, जितना है लैट्रिन का पानी घर का पानी सभी रोड पे चलता है, सभी आने जाने वाले कौर कुटुंब को सभी को परेशानी है। इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री के लिए अभी हम सोच विचार नहीं किए हैं, और इसके लिए हमारा पहले सरकार हमारा नाली दे, उसके बाद हम अगले महीने चुनाव है, वोट के बाद सोच कीजिएगा। नहीं तो हमारा पहले कोई उपरन आएगा ना जो नाला हो जाएगा तैयार। कौन है आपके क्षेत्र के विधायक? कौन? मेरा विधायक की क्षेत्र अमरनाथ गामी है। तो क्या काम हुआ कहाँ? हमारा अमरनाथ गामी जी के कोनो काम नहीं हुआ हमारे गांव में। क्या कहना चाहते हैं इस बार जो नेता आएंगे वोट मांगने के लिए उसको क्या? हम उसको कहेंगे पहले मेरा नाली चाहिए तब वोट चाहिए, नाला चाहिए पहले नाली फिर वोट। पानी हमारा का पानी का दिक्कत है 2 नंबर वार्ड के अंदर में। रोटी नहीं चाहिए? रोजी रोटी में सरकार बोला जो लोन देंगे तो लोन के लिए कोई सुन नहीं रहा है, किसको कहेंगे? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक दास हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ एक और यहाँ पर पंडित जी हैं। क्या पंडित जी, अब आपके नज़र में क्या है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बिहार का जो नागरिक है, यहाँ से जो विदेश यात्रा करते हैं या अदर राज्य जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ का जो सुचारू जगह सब जो है, जैसे पेपर मिल हुआ,
यदि वो चालू हो जाएगा तो हजारों की संख्या में तो मजदूर काम करेंगे, यहाँ पे तो विकास होगा। यदि विकास होगा तो ऑटोमेटिक है जो समाज आगे बढ़ेगा। बिहार में सबसे बड़ी बात है गरीबी। अब गरीबी कैसे दूर होगा? जब तक सरकार नहीं देखेगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगा। अब हम अमरनाथ गांधी को वोट दे दे या नीतीश कुमार को वोट दे दे या नरेंद्र मोदी को वोट दे दे, विकास तो हम कहीं देख ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा है विकास। विकास के लिए पेपर मिल चालू करे, नल जल है, मेरे वार्ड में नल जल है ही नहीं। हम जल के लिए खाना बनाने के लिए कहाँ कोसों से लाते हैं जल। दूसरे रयाम मिल नहीं चालू हो रहा है। ये सब पर मैं कम से कम मुख्यमंत्री को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आप युवा हैं, आपके नज़र से क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण? नीतीश कुमार जो है सबसे बुरा स्थिति में बिहार को ला दिए हैं हमारे नज़रिया से, क्योंकि यदि स्थिति अच्छा रहेगा तो सबसे पहले पेपर मिल, अशोक पेपर मिल चालू करे। अशोक पेपर मिल चालू होगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। तो 5 साल बीत गया जी, 15 साल, 15 साल, 5 साल बीत गया। हाँ, इतना महंगाई हो गया सरकार पे। आपके क्षेत्र में शराब का क्या स्थिति है? शराब तो धड़ल्ले बिक रहा है, धड़ल्ले शराब तो ऐसे बिक रहा है जैसे कभी हम देखा नहीं था। शराब तो रोड पर में बिक रहा है, वहाँ तो पहले तो ठेका होता था, ठेका में जाइए ठेका से लीजिए। अब जहाँ आप खड़ा हैं वहाँ शराब आपको हाथों हाथ मिल रहा है। ये है सरकार का नीति। सरकार तो जो है शराब बंद कर दिया, लेकिन शराब यहाँ घरों घरों भेट रहा है। यहाँ तो शराब बनता है, आप घर में होम डिलीवरी मिलता है। हाँ, घर में जाके बेड पर में पहुँचाता है शराब। तो कौन बनेगा विधायक आपके क्षेत्र में? इस बार सोच विचार कर रहे हैं विधायक बनाने का। अच्छा, देख रहे हैं जो मन भाएगा उसको विधायक बनाएंगे। अभी जो मौजूदा विधायक थे वो मन भाए नहीं? नहीं, मन भा रहे हैं, सब मन भा रहे हैं। इसका मतलब क्या सबको जो है दे दे वोट? एक ही वोट ना देंगे? काम तो मेरे क्षेत्र में विकास ही नहीं है। किसको बना हुआ इस बार कौन आ रहा है विधायक में, उस पर मैं विचार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है? राकेश कुमार झा। अगले महीने मतदान है, अगले महीने चुनाव छह जी। 15 साल लालू यादव, 15 साल नीतीश कुमार के गेल जी, की कह चाहे जी, केहन काम भेले? हमरा से कुछ नहीं हो, मुरुख चपाट की बाजब हम, हमरा से बाजे के नहीं है, बाजे वाला सब बाज रहले हैं। घर में रोजी रोटी है कि नहीं? रोजगार छे घर? रोजगार या गरीब बाग में छी, कोनो रोजगार नहीं, कोनो रोजगार, धियो पुता जे रास्ता पर टहले छे। अच्छा, सहना छे अब मजदूरी के लिए, तकर बाद जे है से अब आधा पेट मिलो कि भरि पेट मिलो। कोरोना तो नहीं देखल रहिए, अइ में दिक्कत कि 5 किलो मानू कि आदमी पर दाना भेटल, अब वही से गुजारा, कुछ 5 किलो भेटे है जे है से कोटो वाला। हाँ, मास्क छे आबि गेलिए घर बनिए, अइ लेल नहि लागल छे। घर दिन आबि गेल कई बार नहि लेलिए जी। की नाम भेल अहाँ? रामस्वरूप। के यहाँ हत्या होगा तो उन्हें नौकरी दिया जाएगा, बताइए कि बिहार राज्य ऐसा है जहाँ पर ये घोषणा हुआ है? तो हत्या तो हुआ 4 ठो 5 ठो, किसको नौकरी मिल गया अभी तक में? नीतीश कुमार बोल रहे हैं जो हम नौकरी देंगे हत्या के बाद, तो हत्या हुआ तो कहाँ नौकरी दिया, कहाँ खोजने भी आया कोई प्रशासन? कहाँ पर हत्या हुआ था? देवीपुर। अच्छा, स्पोर्ट मर्डर हुआ, समेसीपुर स्पोर्ट मर्डर हुआ। अच्छा, कहाँ कोई प्रशासन खोजा, कहाँ कुछ किया? नहीं तो लगता है कहा वो इतना ही बोला प्रशासन, जो होगा आगे देखेंगे सरकार। अच्छा, इतना ही बात बोले प्रशासन, बात चला गया। क्या स्थिति है, क्या स्थिति? बहुत हम मजदूरी करते हैं, लेबर मिस्त्री काज करते हैं, मतलब रोजी रोटी पेट भर रहा है कि नहीं? पेट कैसे भरेगा? यहाँ चला लॉकडाउन खा गया, यहाँ नीतीश कुमार खा रहे हैं तो लॉकडाउन क्या पेट कैसे भरेगा? आपका पैसा खा रहे हैं तो कितना पैसा खा रहे हैं? गरीब को मार तो रहे हैं वही ना। अभी 80 रुपए किलो प्याज दे रहे हैं, 80 रुपए, 50 रुपए किलो आलू दे रहे हैं, 150 रुपए किलो कड़वा तेल है, कौन चीज खाएगा पब्लिक बताइए? नीतीश कुमार बोले चाहे लालू बोले चाहे मोदी बोले, कोई भी जवाब दे इस बात को। सरकार में महंगाई है तो सरकार को चेंज किया जाएगा इस बार, दूसरे को मौका देंगे कि नहीं? एकदम देंगे, सरकार चेंज करेंगे। नीतीश कुमार, हाँ, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और चिराग पासवान, ये सभी लोग लाइन में हैं। लाइन में है तो ठीक है, उस पर हम विचार करके देखेंगे अब, क्या विचार करना है। अब तो समय आ गया, अब विचार कब करेंगे? अभी है ना 10 दिन बाकी, 10 दिन में बदल जाता है लोग, 1 मिनट में तो, अभी 10 दिन बाकी है। नेता कोई अच्छा लगा होगा ना आप लोगों को? अभी कोई नेता अच्छा ही नहीं लग रहा है किसी को, नहीं, अभी सब अपना पेट भरने के लिए तैयार हैं। कोई मर गया, जल नल का क्या हाल? जल नल तो वैसे वैसे ही सर रहा है, कचरा गिरी चल रहा है। जल नल तो अभी एक ठो गराया, 2 महीना चला, उस बाद 6 महीना से साला सड़िए रहा है। कौन सा वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 3 में है।
गाँव मेरा समय श्री बहादुरपुर श्री बहादुरपुर रामचंद्र पांडे। सभी लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं सरकार को बदलना है क्योंकि काम नहीं हुआ है और स्थानीय तौर पर जो नेता हैं जीतने के बाद वो आते नहीं हैं। खासकर बात अगर करें तो हयाघाट विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद थे। देखते रहिए भारत उदय समाचार जगजीत के साथ।